दीपक भाई इधर आइए भाई। अरे कौन भादो को इस तरह हिला गया यार, उन कैमरे ऑन के इस तरह हिला गया, कौन खींच रहा है पीछे से। नेतृत्व को अपनी ओर से बधाई देती हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हैं, मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुझ पर विश्वास कायम किया, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए हम लोग उन्हें पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास करेंगे और बनेंगे। जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? हमें तो लगता है कि 5 साल में जो विकास कार्य उन्होंने किया है, देश के किसी कोने में आप चले जाइए, जो विकास कार्य किसी सरकार में नहीं हुआ है, चाहे 55 साल की सरकार रही हो, चाहे जो भी सरकारें नहीं हैं, आज तक जिस क्षेत्र में चले जाइए आप, चाहे नेपाल के बॉर्डर में चले जाइए, चाहे कर्नाटक चले जाइए, चारों तरफ विकास की इसी तरह हमारा शहर बदल गया। और मैं दूर की तो बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो पिछले सांसद रहे, नाराजगी नहीं है, लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री पुनः मोदी जी को बनाना चाहते हैं। और मैं अपने प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब का, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और अपने स्थानीय लोगों का स्नेह पा करके उन्हीं की वजह से हमारा मुख्यमंत्री। अच्छा, बसपा में आप रहे, काम आएगा इस समय? हमें कोई पार्टी मुश्किल नहीं कर रही है, इस समय लोग विकास कार्य देख रहे हैं।